चलिए पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नया सा कोई भी। स्वीप से हमारा दिमाग में ऐसा आना चाहिए, स्वीप मतलब मोड़ना, कहीं भी किसी भी कैसे भी डायरेक्शन में कहीं भी मोड़ सकते हैं, उसको स्वीप बोलते हैं। और स्वीप कट मतलब कोई भी डायरेक्शन से काट सकते हैं, जैसे हमने एक्सट्रूड और रिवॉल्व देखा और एक्सट्रूड रिवॉल्व कट देखा, उसके जैसा ही ये है। तो चलिए इसको बताते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक प्लेन ले लेता हूँ। मुझे ये फ्रंट प्लेन लिया, मैंने एक सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं एक लाइन बना लेता हूँ, कोई भी मैंने लाइन का प्रोफाइल बना लिया। चलो अब ये मेरा सपोज पाइपिंग लाइन है। अब इस पाइपिंग लाइन पे मुझे पाइप बनाना है सर्कुलर पूरा, तो मैं एक एक कमांड करने जाऊंगा, तो इधर से सर्कल बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा, इधर से बनाऊंगा, तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मेरे पास ये कमांड है स्वीप, तो मैं ऐसे बना लिया, डायमेंशन दे दिया जो भी देना है, एग्जिट स्केच। उसके बाद फीचर्स में गया, यहाँ पे स्वीप बॉस और बेस लिखा है, तो मैंने स्वीप बॉस पे क्लिक किया, तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया। हमारे सामने बहुत ऑप्शन आ गए, जैसे कि हमने स्केच बनाया था तो स्केच सिलेक्टेड ही है। ये मैंने बनाया कि अपने को पाइप बनाना है इसके थ्रू, ये मेरा सेंटर लाइन है, इसके थ्रू हमको पाइप बनाना है। तो कैसे बनाए, तो ये सर्कुलर प्रोफाइल लिखा है, उस पर जाके क्लिक करेंगे तो सर्कुलर प्रोफाइल में हमारा सेंटर से पूरा ये डायमीटर जो है बन के आ जाएगा। हमको जैसा भी जितना भी डायमीटर चाहिए उतना हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मुझे 20 मिलीमीटर चाहिए तो मैंने 20 मिलीमीटर किया, एंटर किया, तो मेरा पाइप ऐसे भी 20 मिलीमीटर बन गया। तो ऐसे हम कोई भी पाइपिंग का कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब देख सकती हो कि मेरा पाइपिंग का जो पूरा कैसे दिखेगा बनने के बाद, वो पूरा मेरे सेट हो गया। मुझे ना ही सर्कल बनाना पड़ा, ना ही उसको एक्सट्रूड करना पड़ा, ना ही ट्रिम करना पड़ा, कुछ भी नहीं, सीधा मैंने स्वीप से कर लिया। तो ऐसे भी दूसरे स्वीप के देखते हैं आगे। चलिए इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यस, ये स्केच को भी मैंने डिलीट कर दिया। यस, इसको मैंने ओरिजिन पे ला लिया। ये तो एक हो गया। अभी दूसरा हमको चाहिए, तो मैंने पहले बोला था कि हमको स्वीप करना है, तो स्वीप के लिए बेसिकली क्या रहेगा, कोई भी एक प्लेन रहेगा, उसके हम ऊपर हम स्केच करेंगे, और उसका परपेंडिकुलर दूसरा भी कोई प्लेन रहेगा, उसके ऊपर हम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, और बाद में उसको स्वीप का कट देखेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। मैं पहले फ्रंट प्लेन पे जाके कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने फ्रंट प्लेन पे गया, मेरा पॉलीगॉन है, मैंने सेंट्रोइड पॉलीगॉन बना लिया, ओके किया, इसका डायमेंशन दे दिया, ये मेरा बाजू इतना है 50 का, इंस्क्राइब इन सर्कल का माप दे दिया मैंने 80 का, नहीं लेगा क्योंकि हमारा ज्योमेट्री पहले से यहाँ से डिफाइन है, उसके हिसाब से इसने ये सेंटर से लिया था, तो हमारा इतना ही आएगा। चलिए हम अभी इसको एग्जिट स्केच कर लेते हैं। एग्जिट स्केच करने के बाद हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी मैंने बताया था ऐसा कि हमको एक परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, तो हमने अभी फ्रंट प्लेन पे बनाया, उसके परपेंडिकुलर टॉप है और राइट प्लेन है। अभी हम टॉप प्लेन पे करते हैं स्केच। तो जैसे स्केच किया, कंट्रोल 8 किया, तो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन आ गया, ये ऐसे दिखेगा। चलिए हमारा परपेंडिकुलर प्लेन आ गया, इस पे हमें एक आर्क बना लेता हूँ कोई सा भी। ये सेंटर पॉइंट पकड़ा, यहां से आर्क लिया, ये मैंने आर्क बना लिया, और इसको मैं आर्क का वैल्यू भी डिफाइन कर लेता हूँ, इसको भी फुल्ली डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरा मैंने 500 पकड़ लिया हाइट उसका, और इसका लेंथ मैंने 200 पकड़ लिया, और इसका रेडियस मैंने 1250 पकड़ लिया। इसको मैं, ये देखते हो फुल्ली डिफाइन होगा, इसको मैं अभी ओके करूंगा, और इसको भी मैं एग्जिट स्केच कर लूंगा।
एक्सिस स्केच करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा दो स्केच अलग अलग प्लेन में अलग अलग हमने बना लिया। अभी हम इसको स्वीप करते हैं, तो स्वीप के लिए हम स्वीप में जाएंगे। स्वीप बॉस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही करोगे ये प्रॉपर्टी मैनेजर खुल जाएगा। उसमें ये ऑप्शन ऑप्शन है स्केच प्रोफाइल सर्कुलर प्रोफाइल। सर्कुलर प्रोफाइल तो हमने देख लिया कि कैसे बनते हैं, अभी स्केच प्रोफाइल देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझको इसमें प्रोफाइल में मेरा स्केच सिलेक्ट करना है, तो मेरा ये स्केच बना हुआ है, यहाँ पे मुझे प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, तो मैं इधर क्लिक करूंगा और मेरा जो प्रोफाइल है वो क्लिक करूंगा। जैसे प्रोफाइल क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि मेरा स्वीप हो गया। ये देखो हमारा स्वीप बन के रेडी हो गया क्लिक में। लेकिन अभी हम नॉर्मल टू करेंगे तो देख सकते हैं कि जैसे हमारा रेडियस बना है वैसे ही हमारा पूरा पूरा जॉब स्वीप होके आ गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है प्रोफाइल हमारा ये जो फेस है वो एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर हो गया। अगर हमको एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, यहाँ से ऐसे सीधा चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जो ऑप्शन में क्लिक करने है, फॉलो पाथ के बदले हम कीप नॉर्मल कॉन्स्टेंट रख देते हैं। तो जो भी यहाँ पे शेप होगा, जो भी जैसा भी होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट होगा। आप फिर से देख ले, यहाँ पे मैं फॉलो पाथ करता हूँ तो पाथ जैसे जैसे होगा ये फेस भी मेरा वैसे वैसे कर होके बनेगा। फॉलो पाथ की जगह पे मैं कीप नॉर्मल कॉन्स्टेंट रख देता हूँ, तो जो भी मेरा ऐसा जो फर्स्ट पे स्केच में है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। हम इसमें कुछ आगे भी कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल ट्विस्ट रहता है, प्रोफाइल ट्विस्ट रहता है, जैसे कि हमको इसको पूरा मोड़ना है ऐसे, तो वो भी यहाँ से प्रोफाइल ट्विस्ट से मेंटेन हो सकता है। जैसे प्रोफाइल ट्विस्ट है मैंने स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू कर लिया, यहाँ पे ट्विस्ट कंट्रोल खुल गया। ट्विस्ट का मतलब है जितने भी चक्कर करना है उसका ऐसे, तो वो चक्कर देने के लिए डिग्री में देना है, या तो रेडियंस में देना है या तो रेवोल्यूशन में देना है। अभी के लिए मैं डिग्री सिलेक्ट करता हूँ। डिग्री के बाद तुरंत नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल का डायमेंशन लिखना होता है, तो मैं अभी रेंडमली कर लेता हूँ। जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूँ आप देख सकते हैं ऊपर से ऐसे गोल घूमना चालू हो गया हमारा प्रोफाइल। ये देखो अब पूरा ट्विस्ट होके बन गया। अभी फिर भी मैं इसको और घुमा लेता हूँ और इसको मैं कमांड को ओके कर लेता हूँ। जैसे भी ओके किया आप देख सकते हैं हमारा जो जॉब है वो ट्विस्ट हो गया। हमारा ओरिजिनल जॉब जो बनाया था हमने उसमें ये जो सेंटर लाइन है ब्लू वाला उसके रेफरेंस में पूरा ट्विस्ट हो गया। और यहाँ पे उसका फेस कैसा आया वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका फेस आया पूरा परपेंडिकुलर टू ये। तो हमको इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे स्वीप में जाए, राइट क्लिक मारे, एडिट फीचर्स कर सकते हैं, यहाँ पे फॉलो पाथ कर सकते हैं। तो जो भी हमको सिलेक्ट करना है हमारे पास ऑप्शन है। जैसे फॉलो पाथ करेंगे तो ये जो पॉइंट है उसके टेंजेंट में आ जाएगा, कीप नॉर्मल रखेंगे तो ये जो पॉइंट है वैसे भी सीधा आ जाएगा, और ओके।